नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश खबर स्पेशल। आज की 5 खबरों में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर जनपद हरदोई से। यहां सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अध्यापकों का वेतन भी अच्छा खासा दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों से जब वार्ता हुई तो रिजल्ट शून्य निकलता है। ऐसा एक पड़ताल विकास खंड 52 के एक स्कूल में की गई तो यहाँ स्कूल के गेट में अंदर से ताला लगा हुआ था, लेकिन बाद में जब बच्चों से कुछ बात की गई तो बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। यहाँ वृक्षारोपण के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की गई है और बच्चे खेलने कूदने में मस्त दिखे। अब आज की दूसरी खबर जनपद बरेली से। यहाँ एक विवाहिता को पीट पीट कर ससुराल वालों ने मार डाला। हमारे संवाददाता नंद किशोर मौर्य के अनुसार जादोपुर के निवासी मोहम्मद उमर ने अपनी बेटी महजवी की शादी 2 साल पहले रियायत नामक युवक के साथ की गई थी। मोहम्मद उमर ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन रियायत के परिवार वाले आए दिन कम दहेज देने का ताना देते रहते थे, जिसको लेकर विवाहिता को काफी पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आज की तीसरी खबर जनपद बदायूं से। यहां सावन के पर्व पर कावड़िए अपने जोश में हैं। बीती रात शहर में कावड़ियों का जत्था निकल रहा था, जिसमें शहर की सड़कें जाम हो गई। हमारे संवाददाता देवेश वर्मा ने बताया कि जाम को लेकर पुलिस प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देखें बदायूं के जाम की स्थिति। आज बदायूं में शनिवार को बहुत ही जबरदस्त जाम का माहौल रहा। बहुत सारे कांवरिया डीजे और बहुत बल के साथ शहर बदायूं के अंदर से निकलते हुए, ये रात का समय बहुत जबरदस्त जाम है, देख सकते हैं आप। जनपद फरुखाबाद के ग्राम पचपुखरा में बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट से रतिराम पुत्र सियाराम की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गांव में अफरा तफरी मच गई। यहां तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक दीवार तोड़कर गांव वालों ने आग को काबू में कर लिया। हमारे संवाददाता शिवम साक्य के अनुसार दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आज की अंतिम खबर समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बड़ी तैयारी में लगे हैं। इसी कारण इनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा की 13 सीट पर होने वाले उपचुनाव में नहीं लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी में लगी है। इसके साथ ही पार्टी इस बार हरियाणा तथा दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन भी कर सकती है। आज की यूपी स्पेशल में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए ददस्तक 24 के साथ। नमस्कार।